और बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात 2019 के लिए मैनिफेस्टो जारी किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि उनके मन में साफ है कि वन मिशन वन डायरेक्शन। सरकार की सबसे बड़ी कसौटी ये नहीं कि क्या दिया, बल्कि कसौटी ये होती है कि आखिरी शख्स तक पहुंचा या नहीं। साथ ही कहा कि आज़ादी के 75 साल में 75 हदफ लेकर चले हैं, 5 साल का लेखा जोखा भी अवाम के सामने रखा है। बीजेपी सदर अमित शाह ने कहा कि जब भी हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी 2014 से 2019 के 5 साल सुनहरे हरूफ में लिखे जाएंगे। हमारी सरकार को बुनियादी ज़रूरतों को आवाम तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल हुई है। मुल्क की इकोनॉमी को पटरी पर लाने का काम मोदी सरकार ने किया है। होम मिनिस्टर और पार्टी के संकल्प पत्र कमेटी के सदर राजनाथ सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान के मन की बात इस संकल्प पत्र में रखी गई है। जहाँ ज़रूरी हुआ है वहाँ स्ट्रक्चरल बदलाव करने की भी कोई कोशिश की गई है और कोई हेजिटेशन इसमें नहीं किया गया है। उनकी सरकार ने अवाम की हिस्सेदारी को संकल्प पत्र का अहम हिस्सा माना है, साथ ही अवामी हिस्सेदारी को भी यकीनी बनाया है। क्या है खास बीजेपी के संकल्प पत्र में, तो आपको बता दें कि पिछली बार की तरह कौम परस्ती यानी नेशनलिज्म को तरजीह दी गई है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस लागू किया जाएगा, किसी भी रियासत के लोगों की पहचान पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी, मुल्क की सिक्योरिटी पर समझौता नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से 35A हटाने को लेकर कहा गया है कि 35A को हटाने की कोशिश की जाएगी, तो कहीं ना कहीं यहां भी इस बार नरम रुख बीजेपी का देखने को मिला है। मैनेजमेंट इंजीनियरिंग और लॉ कॉलेज सीटों की तादाद बढ़ाने की बात कही गई है। अगर बात पिछले बार के सबसे बड़े वादे की करें तो राम मंदिर को लेकर इस बार नरम रुख दिखाई दिया है। इस बार बीजेपी ने राम मंदिर पर सभी इम्कानात की तलाश करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हर मुमकिन कोशिश होगी कि जल्द से जल्द खुशगवार माहौल में मंदिर की तामीर किया जाए। किसानों की बात करें तो बीजेपी ने किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला 1 लाख रुपये तक का लोन को 5 साल तक ब्याज के बिना देने की बात कही है। सभी किसानों को किसान सम्मान निधि का फायदा देने की बात कही है। छोटे और बड़े किसानों को पेंशन की सहूलियत देने की बात कही है। नेशनल ट्रेड कमीशन की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी, जो बेहद इफेक्टिव कमीशन होगा। छोटे दुकानदारों को 60 साल के कारोबारियों को भी पेंशन देने की बात इसमें कही गई है। जबकि लैंड रिकॉर्ड की बात करें तो लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन करने की भी संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। 2020 तक मुल्क की सभी रेल पटरियों का इलेक्ट्रिफिकेशन कराने की बात पूरी की गई है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम खवातीन को इंसाफ दिलाने की बात भी संकल्प पत्र में कही गई है। मित्रों, इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम नए भारत के निर्माण में 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को विजन डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत कर। मैं इस संकल्प पत्र के कुछ प्रमुख बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है, और इतना ही नहीं, आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है, और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके प्रति, इसको लागू करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी, है, इस काम को करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिल्कुल दो टूक शब्दों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे हम लागू करेंगे। लेकिन यह भी आश्वस्त करना चाहते हैं, हम किसी भी राज्य की, चाहे कल्चरल हो अथवा लिंग्विस्टिक हो, आइडेंटिटी पर आंच नहीं आने देंगे। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था उसी संकल्प को हम दोहराते हैं। सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। 1 लाख तक का जो क्रेडिट कार्ड पर लोन मिलता है, 1 लाख तक का क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है उस पर 5 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% होगा, 0% ब्याज दर पर 1 लाख का वो कर्ज लेंगे। सभी किसानों को यह किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन की सुविधा भी देंगे 60 वर्ष के बाद। राष्ट्रीय व्यापारी आयोग, हमारे देश के व्यापारी समाज की बहुत लंबे अरसे से यह मांग चली आ रही थी। आयोग बहुत सारे बन गए, लेकिन ट्रेडर्स का, बिजनेसमैन का,
इनकी चिंता करने वाला अभी तक कोई आयोग नहीं बना। तो इस संकल्प पत्र में हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाएंगे। चुनाव को लेकर इस देश को बहुत बड़े खर्च का वहन करना पड़ता है, बहुत बड़े खर्च की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। पैसा किसका खर्च होता है? जो हमारे देश के आम नागरिकों की जेब से पैसा आता है करों के रूप में, वही खर्च होता है। बहस होनी चाहिए कि देश में सारे चुनाव साथ हों, हर महीने चुनाव नहीं होने चाहिए। तो यह भी हम लोगों ने यह संकल्प इसमें लिया है। लेकिन इस बार बीजेपी के संकल्प पत्र से कुछ गायब मिला, तो वो है बेरोजगारी का मुद्दा, जॉब का मुद्दा, तरक्की का मुद्दा, जिसको लेकर कांग्रेस भी बीजेपी को घेरती हुई नजर आई। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को संकल्प पत्र के बदले माफीनामा लेकर आना चाहिए। और आज जहां उसकी प्रतिलिपि हम आपको देंगे, 125 वादे और उनकी झूठ की, उसका अनावरण भी हम इस पत्रकार वार्ता के आखिर में श्री अहमद पटेल जी से करवाएंगे। जैसा मैंने कहा, मोदी जी का मूल मंत्र है झांसों में फांसो। जब साल 2014 के घोषणा पत्र के 125 सवाल खड़े हों, तो आज के झांसा पत्र, ये संकल्प पत्र नहीं है, आज के झांसा पत्र पर भरोसा कैसे करें? फिर एक बार उन्होंने किया झांसा पत्र तैयार, देश की जनता खारिज करेगी इस बार, और झोला उठाकर हो जाओ जाने को तैयार। मोदी सरकार ने देश के विश्वास में विष घोल दिया है। देश को आज सरकार पर भरोसा करना भारी पड़ रहा है। इस बात की पुष्टि हम नहीं, स्वयं 2014 के घोषणा पत्र भाजपा की कमेटी के प्रमुख श्री मुरली मनोहर जोशी ने की। जब उनसे पूछा कि मोदी सरकार के 5 साल के बाद कितने नंबर देंगे, तो उन्होंने कहा, एंड आई कोट, कॉपी में कुछ लिखा हो तो नंबर दूं, अनकोट, काम के नाम पर मोदी नाम के विद्यार्थी की कॉपी कोरी पड़ी है। जब कोई अपना काम नहीं करता तो फिर बहानेबाजी करता है। बस यही हुआ 5 साल, अपनी नाकामी का इल्जाम दूसरों पर मढ़ देना और रोज नए बहाने गढ़ देना। दोस्तों, अब जानिए मोदी जी की झूठी घोषणाओं का, जो इस बार भी लिखी हैं, हमने उनमें से 11 बड़ी झूठी घोषणाएं निकाले हैं, उनका सच। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि झांसों का गुब्बारा, और जैसा आदरणीय अहमद पटेल जी ने कहा, बनाम न्याय का सहारा, आज ना अमित शाह जी ने, ना राजनाथ सिंह जी ने, ना जेटली जी ने, ना सुषमा जी ने, ना नरेंद्र मोदी जी ने कुछ शब्दों का नाम ही नहीं लिया। पहला, नौकरी और रोजगार, ये बिल्कुल घोषणा पत्र के भाषणों में चर्चा से गायब था। दूसरा, नोटबंदी, जिसको मोदी जी कहते थे कि बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया, आज नोटबंदी की चर्चा नहीं हुई।